नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2023 की संविदा नीति बनाई गई थी, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति और कई बड़ी सौगातें दी थी, लेकिन हमारे एनएचएम अधिकारियों द्वारा आज तक उसे संज्ञान में नहीं लिया और इसी बीच हमारे कुछ साथी देवलोक भी गमन हो गए, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। 2023 की शासन द्वारा आदेशित संविदा नीति को एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वेतन विसंगति सहित तत्काल लागू की जाए और प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को इसका पूर्ण लाभ दिया जाए। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में प्रतिवर्ष अनुबंध प्रक्रिया समाप्त होना, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिलना, वेतन 100% मिलना, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलना, रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी लाभ मिलना, नियमित पदों पर भर्ती में 50% आरक्षण मिलना, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश मिलना, मातृत्व अवकाश का लाभ नियमित कर्मचारी की तरह मिलना शामिल है। समस्त स्वास्थ्य अधिकारी महासंघ के राज्यकारिणी सदस्य होने के नाते हम सभी स्वास्थ्य विभाग के, चाहे नियमित कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, सभी कर्मचारियों के संघ ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया है कि जो हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो हम 11, 12, 13 को काली पट्टी बांध के पूरे प्रदेश के 313 ब्लॉक में और 52 जिलों में हम ज्ञापन करवाएंगे। उसके पश्चात भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो 18 तारीख को हम 10,000 कर्मचारी पूर्व उप मुख्यमंत्री के बंगले पर पहुँच के हम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके पश्चात भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 25 तारीख को पूरे 1.5 लाख कर्मचारी भोपाल भरो आंदोलन करके धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सभी हड़ताल पे चले जाएंगे। सभी संगठन के हड़ताल पे जाने पे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।